सरोकार। भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर राहुल गांधी भी पहुंचेंगे सैफई। सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे राहुल गांधी। सैफई में मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार आज होगा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी जाएंगे सैफई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज जाएंगे सैफई। बिहार सीएम नीतीश कुमार भी आज सैफई पहुंचेंगे। नेताजी का अंतिम संस्कार आज। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सैफई पहुंची। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी पहुंचेंगे सैफई। नेताजी को श्रद्धांजलि देने। नेताजी का अंतिम संस्कार आज होगा। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया। पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पहुंची सैफई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, देखा जाए तो देश के राजनीतिक गलियारे में ये एक बहुत बड़ी क्षति है। कल नेताजी दुनिया को अलविदा कह गए थे, आज उनके पैतृक आवास सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहीं बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। मयूरी, बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये कल हम लोग यहाँ हमारी टीम जो रन टीवी की टीम यहाँ पर घर में आ गई थी, तब से हम देख रहे हैं कि उनके अंतिम दर्शन के उनका आवास है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। उनके अंतिम दर्शन को भी रात को 12 बजे तक हम लोग वहाँ पर लाइव कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे, तो देखा उस समय भी लोगों का हजूम जुड़ा हुआ था और लगातार लोग उनके नारे लगा रहे थे, बलवंत सिंह यादव अमर रहे, और इसके साथ साथ उनके पार्थिव शरीर का दर्शन लेने के लिए लगातार वहां पर इतना हजूम था कि धक्का मुक्की हो रही थी और लोग अपने अपने प्रिय नेता की अंतिम छवि को देखने के लिए वहां पर लगातार धक्का मुक्की भी कर रहे थे, भारी हजूम था। और ये दिखाता है कि किस कद के नेता थे और निश्चित रूप से यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में भी बड़ी बड़ी शख्सियत शामिल होने वाली है, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ब्रजेश पाठक और जो केशव प्रसाद महाराज जो कि दोनों डिप्टी सीएम है वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर जानकारी ये भी मिली है मयूरी कि यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा राहुल गांधी भी भारत छोड़ो यात्रा को बीच में थोड़ा सा होल्ड करके पोस्टपोन करके अभी यहाँ पर आएंगे और इनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो की लगभग 3 बजे मेला परिसर में वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और फिलहाल अभी उनका थोड़ी देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो मेला ग्राउंड में रखा जाएगा और अंतिम दर्शन पर लोग वहां पर उनके अंतिम दर्शन कर सके। काफी बड़ा वहां पर पंडाल लगाया गया है, बड़ी व्यवस्था वहां की गई क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। कल रात को भी गाड़ियों का लंबा काफिला था और अगर आप वहां पहुंचना चाहें तो लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चलना भी पड़ेगा और ये स्थिति आज मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बड़ी स्थिति होने वाली क्योंकि आज बहुत सारे लोग पहुंचेंगे और आज मुख्य दिन है, आज अंतिम संस्कार उनका किया जाना, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भीड़ भाड़ और हुजूम होगा वो कल के अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलेगा। जी, जैसा कि गौरव भाई आपने कहा कि हुजूम भारी संख्या में रहेगा, तो नेताजी अपने समर्थकों के काफी चहेते थे और आज उनके अंतिम दर्शन हर कोई पाना चाहेगा, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, तैयारी है, वहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, पुलिस वाले पूरा मुस्तैद है। हमने रात को भी देखा था कि वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, गाड़ियां कहीं आगे नहीं जाने दे रही है, खासतौर से उनके आवास के अगर आपको उनके आवास पहुंचना है तो कम से कम 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। वहाँ पर सभी गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वहाँ पर केवल कुछ ही गाड़ियों वीआईपी मूवमेंट की गाड़ियों को जाने की अनुमति है, बाकी सभी गाड़ियों को वहाँ पर बैरिकेडिंग पर रोक दिया गया। इसके अलावा पुलिस बल वहाँ रास्ते लगा हुआ है। अगर हम सैफई की रोडों की बात करें तो वहाँ पर भी हम देखे थे कि वहाँ पर कल नेताजी का कल देहांत हुआ है और देहांत होने के कारण उनका
हम देख रहे थे कि पूरा सेबई में सन्नाटा था, कहीं पे भी दुकानें खुली नहीं थी। अपने नेता की निधन के शोक की खबर से वहां पर किसी के कई लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ खाना ही नहीं बना रही, ये स्थिति रही है। और जहां तक मैं मयूरी बताऊं, कल हमने कई लोगों से बातचीत की, जो जन सामान्य के कार्यकर्ता उनसे बातचीत की, नेता क्यों, नेता पदाधिकारियों से बात तो अलग होती है, पर जो कार्यकर्ता है वो उनके वास्तविक कर को कार्यकर्ता ही बेहतर बना सकते हैं। और कई कार्यकर्ता थे वो बड़े दूर दूर, कोई बिहार से आया था, कोई जमशेदपुर से आया था, कोई सोनभद्र से आया था, तो ये उनका कर बताता है कि मुलायम सिंह यादव किस करके नेता थे और जनप्रिय नेता थे और सभी समाज के वर्गों में उनकी छवि थी। और वो महज केवल उत्तर प्रदेश के ही नेता नहीं थे बल्कि देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती थी और निश्चित रूप से यहाँ पर देश की बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। गौरव, ये एक बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र की कि चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी में कल सीएम योगी भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे, वहीं बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे थे। आज कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया मयूरी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर पहुंचेगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ पहुंचेगा। और अगर हम पहुंचने की बात करें तो इसके पहले मेदांता भी, अमित शाह भी गए थे, राजनाथ सिंह भी गए थे। और जब वो अस्वस्थ चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, तभी बड़े गणमान्य लोग बड़े राजनीतिक क्षेत्रों में मेदांता में जाके उनका हाल चाल जाना था, अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, उनकी स्थिति की जानकारी ली थी। उसके बाद जब उनका देहांत हुआ था तब भी मेदांता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां गए थे, इसके अलावा राजनाथ भी उनके निधन पर तुरंत वहां पर पहुंचे थे मेदांता। और इसके अलावा आज भी उम्मीद है कि बड़े बड़े नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा मैं आपको बताया दोनों डिप्टी सीएम के सपा मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ यहाँ पर राहुल गांधी भी भारत छोड़ो यात्रा को बीच में रोक कर अपने यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने आएंगे। इसके अलावा बड़े नामों में अगर हम बात करें तो बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आएंगे, तेजस्वी यादव के आने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल की भी यहाँ पर आने की चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी शख्सियतों का जमावड़ा होगा, क्योंकि अपने नेता को अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर भारी हजूम भी है। और साथ ही साथ जनप्रिय नेता थे, विपक्ष में भी उनकी अच्छी पैठ थी, केवल उन्होंने कभी विपक्ष को कभी कटाक्ष नहीं किया, कभी विपक्ष से उनके संबंध मजबूत रहे, अगर कोई बेहतर है तो उसको तारीफ भी की, उसको आशीर्वाद भी दिया। तो निश्चित रूप से ये उनका कर बताता है कि किस तरह के नेता थे। और निश्चित रूप से जो हम यहाँ पर हजूम देख रहे हैं वो यही बताता है कि मुलायम सिंह यादव केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के बड़े नेताओं में एक थे। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार होगा, सुबह 10 बजे अंतिम दर्शन को रखा जाएगा पार्थिव शरीर। नेताजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन को रखा जाएगा, सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। नेताजी के अंतिम दर्शन का करने पहुंचे आजम खान। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सैफई जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी आज सैफई पहुंचेंगे। मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी होंगे शामिल। मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार होगा, सुबह 10 बजे अंतिम दर्शन को रखा जाएगा पार्थिव शरीर। नेताजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन को रखा जाएगा, सैफई के मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। नेताजी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे आजम खान। सीएम योगी आदित्यनाथ सैफई आज जाएंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह,
शिक्षक मुलायम सिंह यादव का आज उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार होगा। सोमवार को सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय और प्रदेश स्तर के मंत्रियों के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। निदा फाजली की ये शेर धरती पुत्र मुलायम सिंह पर सटीक बैठती है। प्रधानमंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। 1996 में 1999 में 2 बार दिल्ली की सत्ता में काबिज होते होते वह दौड़ में पीछे रह गए। उनके सपनों ने ही पट्टा काट दिया। इसकी कसकता उम्र उन्हें सताती रही। सैफई से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुलायम सिंह परिश्रम पूर्वक साधारण और असाधारण नेता बने, लेकिन लोक व्यवहार में हमेशा साधारण ही बने रहे। अकेले दम पर पार्टी बनाई, कई बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लेकिन यारी दोस्ती और मित्रता में अपने पराये में भेद नहीं किया। विपक्ष में भी सब जिससे दोस्ती हुई उससे आजीवन निभाया। यारों के यार थे मुलायम सिंह। स्क्रीन पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सैफई में हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर करीब 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कश्मीर के हालात पर खास नजर रखते थे। घाटी में हालात बिगड़ने पर उन्होंने कई बार सेना को खुला हाथ देने और अलगाववादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की। समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1992 में जम्मू कश्मीर में उथल पुथल चल रही थी। इसके 4 साल बाद केंद्र में देवगौड़ा सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री का जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद उन्होंने बखूबी रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज उनके पैतृक आवास सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि अभी उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता, नेता और दिग्गज लोगों की भीड़ उमड़ी है। हर कोई उनकी अंतिम दर्शन करना चाह रहा है। हर कोई उन्हें आखिरी बार देखना चाह रहा है। हम आपको सैफई से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर किसी की आंखें नम है। हर कोई उन्हें आखिरी बार अलविदा कहना चाहता है। धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बता दें कि आज करीब 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें, मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही कई केंद्रीय और प्रदेश स्तर के मंत्रियों के अंतिम दर्शन में शामिल हो सकते हैं।
मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार होगा। बता दें मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही मैनपुरी ने केवल नेताजी के ही सियासी सफर को उड़ान नहीं दी बल्कि सैफई परिवार की तीन पीढ़ियां इसी मैनपुरी के रास्ते संसद तक पहुंची। एक बार नेताजी ने सीट छोड़कर भतीजे धर्मेंद्र यादव को संसद पहुंचाया तो दूसरी बार पौत्र तेज प्रताप यादव के लिए सीट छोड़ी। दोनों ही बार नेताजी की इच्छा का भी मैनपुरी की जनता ने सम्मान किया और भारी बहुमत से जीत दिलाई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। बता दें 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब मंगलवार को यानी कि आज 3 बजे मुलायम सिंह का उनके पैतृक आवास सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले सुबह 10 बजे सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इस दौरान कई नेतागण वहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुंचेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हेमंत सोरेन, ओम बिरला, केसीआर कमलनाथ समेत केंद्रीय मंत्री भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। बता दें भारी संख्या में हर कोई नेताजी को अंतिम विदाई देना चाहेगा। हर कोई उनका अंतिम दर्शन करना चाहेगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से कड़ी व्यवस्था भी की गई है क्योंकि हर किसी के नेताजी चाहते थे। हर कोई उन्हें अगली बार आखिरी बार अलविदा करना चाहेगा। इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कड़ी व्यवस्था की गई है। बता दें पूर्व वरिष्ठ सपा नेता गोपाल अग्रवाल ने बताया कि मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता थे। हेलीकॉप्टर से चलते थे तो नीचे देखकर ये बता दिया करते थे कि कौन से गांव के ऊपर से उड़ रहे हैं। 2006 में मेरठ में 30-31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की कमान मुलायम सिंह यादव ने उनको सौंपी थी। सम्मेलन के लिए मेरठ में किसी बड़े मैदान का चयन होना था। उन्होंने नेता को मेरठ के बड़े मैदानों के नाम सम्मेलन के बताए थे लेकिन हर मैदान की भौगोलिक स्थिति और आम लोगों को होने वाली परेशानी को बताकर वे टाल देते थे। बाद में विक्टोरिया पार्क में रैली को सहमत हुए। राजनीति के साथ नेताजी अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करते थे। वह सपा नेता राजकुमार यादव के देवपुरम स्थित मकान में आए थे। पूर्व सांसद अमीर आलम के बेटे पूर्व विधायक नवाजिस आलम की शादी में भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था। पूर्व सांसद कादिर राणा की बेटी की शादी में भी उनकी मौजूदगी रही थी। पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक की माताजी के निधन के समय भी उनके घर पर श्रद्धांजलि दी थी। बता दें कि रिश्ते निभाने में माहिर थे मुलायम सिंह यादव। बता दें आज उनके पैतृक आवास सैफई में करीब 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा जिसमें कई बड़े दिग्गज भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें बिहार सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। वहीं रामपुर की स्वर विधानसभा सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम सैफई पहुंच चुके हैं। उनके साथ में सपा नेता फिरोज खान और रुचि वीरा भी आए हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए आजम खान भी सैफई पहुंचेंगे। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम करीब 5 बजे सैफई पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की चर्चा है। हालांकि अभी तक अधिकृत कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। आपको बता दें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को प्रोटेस्ट किडनी, सीने में संक्रमण, कम ऑक्सीजन लेवल, लो ब्लड प्रेशर सहित कई तरह की समस्या थी। 2 अक्टूबर को स्थिति गंभीर होने पर उन्हें मेदांता हॉस्पिटल की ICU में भर्ती कराया गया था। चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम लगातार उपचार कर रही थी लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई।
बता दें, प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। कैबिनेट व मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरकार ने कैबिनेट के सभी प्रस्ताव स्थगित कर दिए। मुख्यमंत्री ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। अगर हम मुलायम सिंह यादव के सफर के बारे में बात करें तो 11वीं लोकसभा चुनाव के बाद 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। मुलायम रक्षा मंत्री बने। बाद में मुलायम को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, लेकिन कुछ लोगों के विरोध की वजह से उनके नाम पर मुहर नहीं लग सकी थी। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम संबल और कन्नौज से जीते। बाद में कन्नौज सीट पर बेटे अखिलेश को सांसद बनाया। नाम मुलायम सिंह, जिंदगी और सियासत का मूल मंत्र संघर्ष। सियासी सफर में कई ऐसे पड़ाव आए जब वे समझौता कर सफलता के नए रास्ते तलाश सकते थे। खलनायक का तमगा पाने की जगह नायक की भूमिका चुन सकते थे, मगर रास्ता चुना तो संघर्ष का। कई ऐसी घटनाएं हैं, फैसले हैं, जिनके जिक्र के बिना ना तो मुलायम को समझा जा सकता है और ना ही देश प्रदेश में हुए सियासी। सैफई से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। धरती पुत्र के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हर कोई भावुक नजर आ रहा है। बता दें, मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें, रक्षा मंत्री सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। सैफई से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।